हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास 5-10 मिनट का टाइम नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और इसे वॉच लेटर में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आने वाले हफ्ते आपके बड़े काम की होने वाली है। हम इस वीडियो में पिछले हफ्ते के स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे और आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रखने हैं वो देखेंगे, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक था हमारा लक्ष्मी मशीन। लक्ष्मी मशीन जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमने कहा था और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला था और ये हमारा स्टॉप लॉस अभी तक इंटैक्ट है 7712 का, और स्टॉक ने ऊपर की तरफ चाल दे दी है। अब ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, मतलब 20-25% मिनिमम ये देगा और लगभग 1 महीने के अंदर इसमें आउटपुट, मतलब हमारा टारगेट या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। अगला स्टॉक था हमारा बिरला कॉप। बिरला कॉप आप देख सकते हैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के बाद ये एक लेवल है जो 1443.9 का हमने मार्क करके रखा था, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए थी, डिसाइसिवली वो नहीं आई है, लेकिन हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है और 1280 का हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। सीएट जैसे कि हमने कहा था डेली टाइम फ्रेम पे, ये एक हमने रेजिस्टेंस लाइन इसकी ड्रॉ करके रखी थी 1398.8 पे, इसके ऊपर डिसिसिवली अभी तक क्लोज नहीं आया है, तो इसमें हमारी एंट्री अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, लेकिन ये आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि इसमें एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी और हम इसमें हमारी पोजिशन बना सकते हैं। अगला स्टॉक था MRF। MRF डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमें एंट्री दे चुका था, ये कैंडल हमें एंट्री दे चुकी थी, उसके बाद फिर से ये घूम के इसी रेंज के अंदर आ गया है और ये हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है 75755 का। जब भी हमारे पास ऐसे सिनेरियो आते हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद वापस अपनी रेंज के अंदर आ जाए तो हमें आइडियली तो एग्जिट कर देना चाहिए, लेकिन इस केस में हमने हमारा स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 75755 का। जब तक वो हिट नहीं होगा हम नहीं एग्जिट होंगे, क्योंकि इसका हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग डबल है, दैट इज़ 1,50,000 का हमारा इसमें लक्ष्य है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 8-9 हज़ार रुपये का ही है। अगला स्टॉक है हमारा अजंता फार्मा। जैसे कि हमने इसको 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा था, हमने इसने एंट्री भी दे दी थी, लेकिन इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, तो हम इसे हमारे वॉच लिस्ट से अभी निकाल देंगे। अगला स्टॉक था हेमिस्फेयर डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री देने के बाद ये साइड वैसा हो गया है और ये एक रेंज में अभी फंसा हुआ है जो 152 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और अभी इस स्टॉक को, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ही ऊपर जाना है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है 123.8 का। अगला स्टॉक था हमारा रूट, जो 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे था। इसने यहाँ पे एंट्री तो दे दी थी, लेकिन अभी फिर से इसी जोन के अंदर आ गया है और 1915 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। अगला स्टॉक था हमारा आवास, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। इसने एंट्री देने के बाद थोड़ा सा रनअप दिया, लेकिन मार्केट को नीचे आना था, इसकी वजह से सारे स्टॉक्स नीचे ले आया है, ये भी उनमें से एक स्टॉक है, तो इसमें हमारा अभी भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है 402 का। अगला स्टॉक था हमारा FSL। FSL आप देख सकते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे एंट्री तो दे दी, लेकिन फिर से ये बाकी स्टॉक्स जैसे रेंज के अंदर आ गया है, इसमें 193.9 का हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगला स्टॉक है महिंद्रा CII ऑटो, जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसने यहाँ पे एंट्री दे दी, हमने हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया 222.65 का, और आप देख सकते हैं 1:1 का तो ऑलमोस्ट टारगेट ऑलरेडी दे चुका है, और लेकिन हम इसमें 1:3, जैसे हम हर स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें भी हम 1:3 का टारगेट लगा के इसको राइड करने की कोशिश करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स जितना मुझे याद है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, उसके बाद इसने अच्छा खासा रनअप दिया, हमने इसका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने ऊपर आई कार्ड में लिंक दे रखी है, आप वो वीडियो देखकर इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। तो इसमें हमने जैसे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, अगला स्टॉप लॉस हमें यहाँ लगाना था इस लाइन पर, क्योंकि ये इसका इमीडिएट लो था, उसके बाद हमें यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना था जो उसने हायर लो बनाया था
872.9 का। उसके बाद जैसे ही इस कैंडल ने इसके नीचे जाने की कोशिश करी, हमें एग्जिट करना था, तो ये अभी हमारे रडार से निकल गया है पॉलीप्लेक्स। अगला स्टॉक है हमारा माइंडट्री। माइंडट्री हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था, इस कैंडल ने हमें एंट्री दे दी थी और 4155 का हमारा स्टॉप लॉस था, 1:2 का टारगेट दे दिया था, उसके बाद ये वापस नीचे आ गया है। तो इसमें आप एग्जिट भी कर सकते हैं, या इसके अगर आपको टारगेट के लिए वेट करना है 1:3 का, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 4155 का ही रहेगा। अगला स्टॉक है हमारा VHL। VHL 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये वापस अपने रेंज के अंदर आ गया है और स्टॉप लॉस के लगभग करीब आ गया है। मेरे कुछ दोस्त इसमें से एग्जिट हो गए होंगे जितना मुझे लग रहा है, अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा होगा। लेकिन स्टॉप लॉस कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, तो मेरा अभी तक इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगला स्टॉक है हमारा PDS मल्टीनेशनल। इसमें आप देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये हफ्ते में जैसे कि सारे स्टॉक्स गिर रहे थे तो ये भी वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। 1162.65 का इसमें हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगला स्टॉक था हमारा शारदा मोटर्स। इसमें आप देख सकते हैं इसने एंट्री देने के बाद वापस घूम के उसी रेंज के अंदर आ गया और स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों का इसमें एग्जिट हो भी गया होगा क्योंकि यही हमने लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी थी 584.95। तो जिसने 584.95 का स्टॉप लॉस रखा होगा उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। मेरा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होता है तो वो मेरा अभी तक हिट नहीं हुआ है। अगला स्टॉक था हमारा सक्सॉफ्ट। ये हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था। ये आप देख सकते हैं सक्सॉफ्ट जो है आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती तो हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता, जो कि नहीं हुई और ये नीचे चला गया है। अगला स्टॉक है हमारा गोल्ड, IAM इंटरनेशनल। ये भी आई बिलीव 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो एक कैंडल बना दी लेकिन वापस नीचे आ गया। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी ये 1 घंटे पे काम कर रहा है और ये हम हमारी ट्रेंड लाइन को अगर इसको मॉडिफाई करेंगे इस तरह से, ये इसकी दूसरी ट्रेंड लाइन हो गई है। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चला गया है और ये इसकी एक न्यू ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन होगी। इसके ऊपर 997 के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज देगा उसके ऊपर हम हमारी एंट्री कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हमारे वॉचलिस्ट में ये स्टॉक है, क्योंकि ये बहुत मजबूत स्टॉक है, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और चार्ट भी अच्छा ही दिखा रहा है। तो हमने ये 997 का एक लेवल इसमें ड्रॉ करके रखते हैं, इसके ऊपर अगर क्लोज देगा तो हम इसमें दोबारा एंट्री कर सकते हैं। अगला स्टॉक था हमारा शक्ति पंप, जो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे था, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हम हमारे वॉचलिस्ट से अब निकाल देंगे। अगला स्टॉक था व्हील्स। ये 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे था, इसके ऊपर एक कैंडल क्रिएट होनी थी जो नहीं हुई है और ये नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया है, तो इसे भी हम हमारे वॉचलिस्ट से निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते के स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते मैंने कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक्स निकाल के रखे हैं और कुछ इमीडिएट इस हफ्ते में आप देख सकते हैं वो स्टॉक्स निकाल रखे। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आप देख सकते हैं, मैं इसका आपको बड़ा वाला टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो ये इसका वीकली चार्ट है और ये अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ये दो हाई को कनेक्ट करते हुए, तो आप देख सकते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आप इसे देख सकते हैं, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। तो इसका मतलब है कि हम इस स्टॉप लॉस को पकड़ के 70.20 के स्टॉप लॉस को पकड़ के इसमें अभी राइड कर सकते हैं, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम से ऑलरेडी निकल चुका है। तो इसका जो टारगेट है कम से कम 2.5 से 3 गुना रहेगा। इसका आप अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में ही है और अभी इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 300 के आसपास निकल के आ रहे हैं। अगला स्टॉक है हमारा GMM। ये आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये इसने एक
छोटा सा जो रेजिस्टेंस था उसको तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसका एक और रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे है, इसको इसको ब्रेक करना बाकी है। हमने इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनाना शुरू कर दिया है बेसिस द एक्सपीरियंस की। यहाँ पे ये छोटा हमारा स्टॉप लॉस 4170 का इसमें है, हमने हमारी छोटी पोजिशन बना दी है, लेकिन हम फुल फ्लेजेड पोजिशन जो है इसके ऊपर जो कैंडल एक की क्लोज होगी 5435 के ऊपर, उसके ऊपर हम हमारी एंट्री क्रिएट कर देंगे। अगला स्टॉक है हमारा जे एम फाइनेंशियल। आप देख सकते हैं, पूरा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, इसमें सेम सेटअप है जो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ऑलरेडी कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो हमारी एंट्री आइडियली एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसका हाई नहीं टूटा है। हम हमेशा जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर बाय करते हैं, तो इसका 117.7 का जो हाई है इसके ऊपर मैं बाय ऑर्डर नेक्स्ट वीक में लगा के रख दूंगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 77.2 का। और ये वीकली चार्ट है, इसका मतलब है इसमें अगेन हमारा 2.5 से 3 गुना जो है वो टारगेट बन के आ सकता है। स्टॉक जो है वो शॉर्ट वाला स्टॉक है, ये FNO का स्टॉक है, तो इसमें हमारी बाइंग की नहीं लेकिन इसमें हमारी सेलिंग की पोजीशन बन सकती है। अगेन मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एक ड्रॉपिंग ट्रेंड लाइन है जो ये स्टॉक बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा है, और इसने इस हफ्ते में इस ट्रेंड लाइन को बहुत रेस्पेक्ट करके यहीं से ड्रॉप किया है। और आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो ये भी एक आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको भी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है विथ वॉल्यूम, आप नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम भी है। तो ये शॉर्ट की पोजीशन इसमें हम बना सकते हैं, और इसमें हमारा टारगेट जो बन के आ रहा है वो 76 रुपीज़ का बन के आ रहा है। तो ये थे इस हफ्ते के स्टॉक्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन से स्टॉक्स प्रॉमिसिंग लग रहे हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं।